आज मेरे साथ अनु दीदी और है उनके प्लानिंग क्या बन रहे कि हम ना चर्च चलते हैं, मंदिर जाने को बोला तो वहां के लिए हम बोला ये बुढ़ी नानी ये बुढ़ी मासी। हाय एवरीवन, दिस इज योर वेरी और अंकिता शर्मा। और अंकिता स्वर्ग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी ना हम मेरूज आए थे और हमने यहाँ पर ट्राई की पापड़ी और दही भल्ला, तो दोनों काफ़ी अच्छे थे। इसका प्राइस था 60 एंड 70, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ये मेरूज की शॉप। और आज है फिर से मेरे साथ मामी ही और मेरे साथ और भी लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं तो उनसे मैं आपको थोड़ी देर में मिलाती हूँ। तो ये देखो मेरे साथ और कौन है आज। आज है मेरे साथ अनु दीदी और है मेरे साथ, इसमें मैं नाम ही भूल जाती हूँ यार, अक्षत है ना, है ना। तो हम लोग आज कर रहे हैं शिमला एक्सप्लोर साथ में और हम बहुत कुछ खाने वाले हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहो और देखते रहो हम आज क्या क्या करने वाले हैं। ये देखो मैं इसके सामने बहुत टिंगू लगती हूँ क्योंकि बहुत लंबा। अभी ना हम लोग जा रहे हैं लोअर बाजार से ऊपर की तरफ और तनु को कुछ शॉपिंग करनी है, तो अभी हम थोड़ा कुछ शॉप में जाकर कुछ देखने वाले हैं, मुझे नहीं पता क्या। थोड़ी देर में हम जाएंगे ऊपर, ऊपर है ऊपर। तो अभी देखो हम देख रहे हैं पजामास पार्टी करेंगे हम फिर इसके बाद, है ना। तो ये कहाँ गई वो, अब हम पजामा देखेंगे। अब अंदर आओ, आपको और दिखाते हैं और चीजें। ठीक लग रहे हैं आपको वहाँ, पता नहीं भाई किस रेंज में, किस रेंज में, 300 300 रुपए तो ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है ना, मुझे तो ज्यादा लगा, आप लोगों को पता नहीं कितना लगा। देखो अभी हम पता नहीं क्या देखेंगे। ये वाली भी तो अच्छी है, नहीं लग रही है ठीक। कार्डिगन, फिर कार्डिगन, यहाँ तो सारी स्वेटर्स लगी है ना बे, कार्डिगन यही वाली है, यही है कह रही है भाई साहब कह रहे हैं यही है, नहीं बाकी तो अच्छी। ये देखो बाकी तो बेकार है यार, बाकी नहीं अच्छी, नहीं चुभने वाला है। ये ब्लैक वाला क्या है, नहीं है ना चुभने वाला। जरा रुको मैं करती ट्राई, चलो मैं आपके ऊपर ट्राई करके बताती हूँ कैसा लग रहा है। मुझ पर मान पकड़ो, है ना, अब हम करेंगे इसे ट्राई। बटन खोल ही देती हूँ यार, बटन तो अच्छे इसके, बटन चुराई चोरे करते हैं। क्रिस्टल वाले हैं, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ देखते फिर इधर को है, थोड़ी सी लग रही है बुढ़ी लग रही हूँ मैं, पुअर मी, गंदी लग रही, मैम गंदी है, मैंने अंदर से भी ऐसा पहना। Rejected, guys rejected, this one is rejected. शू आज मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैंने इसे काम दे दिया है। तो आज जो भी आपको क्लिप्स देखने को मिलेगी उसके लिए बिग थैंक्स टू अक्षु। तो अब हम इसको वापस रखने वाले हैं, हम इसको नहीं ले रहे। उतने में मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ यहाँ पे, है ना। ये देखो ड्रेस, ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस टाइप है कुछ। ये देखो ये भी ब्लू कलर की है बॉडीकॉन ड्रेस। ये तो बेकार सी लग रही है मुझे, ये वाली भी बच्ची वाला अच्छा लग रहा है। इसमें आपको मिल रहा है पीछे वाला कैप भी, मामी देखो मामी को लेंगे हम ऐसी ड्रेस, यहाँ से शिमला से जाएंगे फिर वो ऐसे कपड़े पहन के आनी है ना। ये भी अच्छी है हाई नेक। अब शॉपिंग का दौर खत्म भी हो गया है और शुरू भी हो गया है, ठीक है। शॉपिंग करके हम लोग खत्म हो गए हैं, तनु ने कुछ शॉपिंग करनी थी वो उसने ले लिया, अब हम देखेंगे कुछ और। तनु बता रही थी अपनी शॉपिंग के बारे में हमें, किस इसने स्वेटर ले ली, देखो आते ही पैसे खर्च होना शुरू हो चुके हैं। ठंड लग रही है शिमला में, उतनी ठंड भी नहीं है शिमला में, बारिश होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ठंडा हो जाता है मौसम, अदरवाइज इतनी ज्यादा ठंड तो नहीं है फिलहाल। तो अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से ऊपर, अब हम जाएंगे रिज की तरफ। ये देखो भीड़ शिमला में यूजुअली रहती ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अभी हम चल पड़े हैं रिज तक जा रहे हैं, क्योंकि रिज में जाके मामी को बैठना है क्योंकि वो थक चुके हैं, है ना।
और हम लोग तो पता नहीं क्यों जा रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं। हमको घूम घूम के नहीं जाना था, इसलिए हमने सोचा चलो ये शॉर्ट वाला रास्ता लेते हैं जो झांसी पार्क से सीधे ऊपर जाता है वो वाला। हम स्कैंडल होके घूम घूम के नहीं जा रहे हैं, ताकि हम सीधा रिज पहुंच जाए ऊपर मॉल, और रिज पे ही फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या बनता है, कहीं जाने का बनता है या फिर वहीं से वापस आने का बनता है। ये मामी का मंदिर जाने का ट्रिप रह गया है ना, वो है ही नहीं मंदिर वाले, मैं मंदिर वाले पूछा ही था हूँ उनसे एक जाना तो ना, नहीं है, जाखू ना नहीं जाना है, इधर तो मना कर दिया मंदिर जाने के लिए, आजकल के बच्चे मना ही कर देते हैं तो क्या बात है, कहाँ से थक रही है तू? अच्छा ये नहीं चल सकती है ज्यादा। इस पे कितनी बार पहुंच गए आप? चौथी बार। चौथी बार पहुंच गए हो, बड़ा गंदा लग रहा है आपके यहाँ आके अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है कुछ नहीं लग रहा है, घर का ऐसे बुरा लग गया अब। अच्छा और आपको कैसा लग रहा मैडम जी, फील ही नहीं हो रहा कुछ? ऐसे वैसे ये तो फर्स्ट टाइम अभी रिज पे नहीं, मतलब मैं पहले आई हूँ, आज का मेरा फर्स्ट डे है रिज पे। इसका फर्स्ट अच्छा ईयर स्पिरिट अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं इतने सारे लोग दिख रहे हैं, पसंद नहीं है इतने लोग, क्या आदत नहीं है इतने लोगों की तो ये देखो अभी हम पहुंच गए ऊपर रिज पे। अब यहाँ से पता नहीं हमने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है सोचते हैं बैठ के। अब घर से बाहर निकलते हो ना तो आपको आइडिया ही नहीं रहता कि कितना टाइम हो गया, और मामी सोच रहे भी कम टाइम हुआ है, जबकि 3:30 हो चुके हैं है ना, सुबह के थे 11 11 11:30 तक निकले हम। सुबह घर से 8 बजे के निकल चुके हैं, 8 बजे के क्या करने, और मैं भी गई थी इसके साथ, इसकी कोचिंग से। हाँ मुझे बोला कि आप फ्री क्लासेस ले सकते हो 4-5 दिन, तो आप ना मेरे उसकी भी आपने पापड़ी चाट टेस्ट करी और ऊपर भी आपने गोलगप्पे और वो खाया, आपको ज्यादा बेटर कहाँ लगा? नीचे कौन सा जहाँ भी खाया एक, हाँ जो हमने आज खाया वो ज्यादा टेस्टी था, ऊपर वाला तो ठीक ठीक था। तो ऊपर वाला टका बेंच तो वहाँ पे मामी को लगा एवरेज एवरेज, तो आपकी अपनी चॉइस है, आपको टका बेंच ट्राई करना है या फिर मीरूज ट्राई करना है, मीरूज भी अच्छा बनाते हैं तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो है ना। देखो रिज के नज़ारे अभी जब हम पहुँचे हैं तो कुछ ऐसा मौसम है, और वहाँ आप जाखू देख रहे हो उस वाली साइड, जाखू हिल पे लग गई है बारिश हल्की हल्की ऐसा महसूस हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं पता। वहाँ पे रीले शिले भी बन रही है हमारे मॉल रोड पे है ना। आजकल शिमला का मौसम तो वैसे ठीक ही है, क्योंकि बारिश तो डेली का डेली है कि एक बार होनी ही होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है। तो अगर आजकल का प्लान है घूमने आने का तो आप आ सकते हैं, बाकी आप इंजॉय कर सकते हैं रिज, इस तरह का कुछ आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे नज़ारा। और ये देखो मौसम कैसा हो गया है, अभी हल्की हल्की सी धुंध पड़ रही है, हल्का हल्की सी मौसम ठंडा ठंडा सा मौसम है, मतलब नॉट सो हॉट, बट कभी कभी थोड़ा सा सफोकेटिंग हो जाता है मौसम। तो देखो तो इनके प्लानिंग क्या बन रहे हैं कि हम ना चर्च चलते हैं, मंदिर जाने को बोला तो वहाँ के लिए हम मना कर रहे हैं, मामी बोलते हैं मंदिर जाने के लिए मना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हो देखो हमारे जो टेम्पल्स होते हैं ना वो ऐसे हाइट हाइट पे होते हैं, तो हमको उधर जाना पड़ेगा जहाँ दूर दूर तक आज धुंध ही धुंध है, तो शायद हो सकता है वहाँ पे बारिश भी हो रही है और हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो शायद ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा आज फिर से एक बार। अभी हम इतना यहाँ से चल के आए यहाँ पहुँचे, अब हम यहाँ बैठ रहे हैं, ये था इनका आने का वो कि चलो चलो यहाँ से चलो है ना। अब तनु बोलती है कि आ जाओ यहाँ पे बैठते हैं अभी ना थोड़ी थोड़ी सी धूप लगी, और अभी अच्छा लग रहा है स्वेटर पहन के, कंपल्शन नहीं है ना कि पहननी ही पहननी है, और मेरी आईज ना ऐसे खुल भी नहीं रही है, मेरी खुद ही खुल है ना, यहाँ पे शेड्स की जरूरत है तुझे अब तनु निकालेगी अपनी शेड्स अच्छा है मुझे लगा लेके नहीं आई होगी क्या वीडियो कॉल हम बस चलते जा रहे हैं, तो हमने स्टेयर्स ही ले ली नीचे, सो दैट कि हमको ज्यादा वॉक नहीं करना पड़े और हम ज्यादा थके ना, क्योंकि शिमला में अगर आपको पैदल पैदल चलना है ना आप थक जाते हो बहुत जल्दी, फिर आपको बैठना पड़ेगा। और देखो मामी और तनु कर रहे हैं वीडियो कॉल पे बात अनु से, तो ये बेबी से बात कर रहे हैं एक्चुअली दोनों, देखो नानी
देखो नानी, देखो बुढ़ी नानी, ये बुढ़ी नानी, ये बुढ़ी मासी, मैं सबसे छोटी मासी हूँ, फिर भी बुढ़ी होगी ना, मासी बन गई। नहीं अंकित उससे छोटी, अंजलि तो उससे छोटी है। अच्छा अंजलि बड़ी है। हाँ फिर तान्या है। देखो ये है गेटी थिएटर, हमारा हेरिटेज, और आज यहाँ प्ले होने वाला है, तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। स्टेज सज चुका है तो आप लोग जरूर आना। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का, हल्का फुल्का तो नहीं, मतलब बाहर की चीज़ सारी हैवी होती है। तो अभी हम देखते हैं कि अभी हम यहाँ पे हैं मिडल बाजार में, तो अभी हम कुछ कहीं जाते हैं और कुछ खाते हैं, कुछ भी। लस्सी क्या खाने वाले हैं मुझे खुद भी नहीं पता। अभी पता हम लोगों ने क्या करा, पहले हम सचिन किचन में बैठे, फिर हमें लगा कि यहाँ पे बैठना उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने सोचा चलो कहीं और चलते हैं। फिर हम अंदर बैठ गए, उन बेचारों ने हमारे लिए ग्लासेस भी ले आए थे पानी के लिए, तो हम लोग वहाँ से उठ के आ गए। और अब हम जा रहे हैं शायद पिज्ज़ा पिज्ज़ा करके उसका नाम है वहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ा सा आगे जाके कि क्या है उसका एग्जैक्टली नाम, पिज्ज़ा पैराडाइस, वहाँ पे अब हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बस पहुँच ही गए हैं, तो ये देखो हम पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ जा रहे हैं पिज्ज़ा पैराडाइस, अगर ये ओपन हुआ तो, और अगर यहाँ पर स्पेस हुआ तो, होप सो यहाँ स्पेस हो, तभी यहाँ पर मैं दिखाती हूँ ऐसा कुछ है इनका। और यहाँ पर ना सारी हैंडमेड डेकोरेशन होती है, ये देखो नोट्स, लोगों के नोट्स यहाँ पे। और ये देखो हम लोग बैठ गए हैं खाली, क्यों आपको भरा भरा चाहिए था बंदा, आपने यहाँ क्यों भरा हुआ? अच्छा लोग ना सेटिस्फाई नहीं है जिंदगी से, ऐसे हर कहीं तो नहीं लाऊंगी मैं आपको उठा के। तो अभी आए हैं हम पिज्ज़ा पैराडाइज में, और हमने ऑर्डर करा है एक वेज मोमोज स्टीम, और फिर हमने मंगवाए हैं एक चाउमिन, वेज चाउमिन। तो अभी हम आपको बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है, मुझे तो मतलब ठीक लग रहा है, ये लोग बताएंगे कि यहाँ आकर उनको कैसा लगता है टेस्ट। फिर हमारा चाउमिन आ चुका है, ले लो कर लो सर्व। तो सो मीन मामी, सो मीन, अपना काम स्वयं कर। नहीं मामी को किसी को सर्व नहीं करना, मामी खुद को सर्व करेंगे, ले तू खुद ले लेंगे फिर। यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस है आपके पास, क्या चाहिए आपको, मिर्ची चाहिए, पहले ऐसे खा लो ना एक बार देखने के लिए कि क्या लेना है आपको। नहीं 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 मेरे को बहुत है, मुझसे इतना ही खाया जाता है फिर। रिव्यूज दे दो, फूड रिव्यू दे दो भाई, कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लगा? आप ही शिकायतें कर रहे थे कि पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। ठीक है गाइस, तो फूड रिव्यू मिल गया, अब हम खाते हैं जल्दी से। तो अब हम निकल गए हैं पिज्ज़ा पैराडाइज से वापस, और अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ, उससे पहले हम जाएंगे थोड़ा बहुत बाजार तक, ताकि हम थोड़ी बहुत चीज़ें ले सके रूम के लिए। तो शायद सब्जी मंडी में जा सकती हूँ, दैट इज़ माय फेवरेट प्लेस एक्चुअली, तो मेरे को अच्छा लगता है वहाँ जाना, ढेर सारा सामान लेना वहाँ से। तो अभी मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, पर जल्दी जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। देखो हमें ना अभी मामू मिल गए, और ये मेरी कजन सिस्टर्स हैं, तो हम यहाँ बाजार में लोअर बाजार में ना गप्पे मार रहे हैं। अब हमने यहाँ से गंज बाजार से पोटली ले ली है अपनी, है ना, मामी ने भी ली है यहाँ से। अच्छा देखो ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं ये गंज बाजार, और मैं यूजुअली यहीं से मसाले लेती हूँ, आप लोग भी आकर ले सकते हो। ये देखो तनु दीदी ने भी लिया है मसाले, ये अपनी मसाला फ्रंट कर रही है यहाँ पे। अब हम यहाँ से भी चल पड़े नीचे की तरफ, अब हम लेंगे बस और अब निकलेंगे हम घर की तरफ। फिर ना हमने आम लिया, और अक्षु को ना आम मतलब टेस्ट करने के लिए दिया था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया, तो अक्षत को लगा कि शायद उसको अब आम लेना ही पड़ेगा, इसलिए वो भाग गया वहाँ से जल्दी जल्दी से। बेचारा डर, देख रहे हो बच्चों में कितना होता है। तो अब हम चल पड़ेंगे यहाँ से, अब हम फाइनली बस स्टैंड जाएंगे और बस लेंगे वहाँ पर। ओल्ड बस स्टैंड का क्राउड देख रही है, पीछे आ रही है देखो ये वाली बस ना, इसमें चलते हैं। उनको फाइनली बस मिल गई है, और शिमला में क्या होता है ना, मतलब मैक्स ऑफ द टाइम आपको ऐसे खड़े खड़े ही जाना पड़ता है बस में ट्रैवल करते हुए, तो हमको बस मिल गई है, अब हम चल पड़े हैं रूम की ओर। हमारी किस्मत ठीक ही रही कि बारिश नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास आज अम्ब्रेला नहीं था,
अभी मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है और अब हम वैसे ही पहुंचने वाले थोड़ी देर में. तो इट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट. चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अंकिता'स वर्ल्ड. बाय करता हूँ मामी.